नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होनी भी बहुत बहुत बलवान है। कोई सालों पहले चला जाए और उसकी बॉडी भी ना मिले आपको, सच में बड़ा दिल दुखता है। और ताउम्र ये दर्द आपके दिल को सहता रहता है। और अगर वो सीमा का प्रहरी हो, देश का रखवाला हो, तो ये दुख कहीं और अधिक बड़ा हो जाता है, जिसकी कल्पना भी शरीर में सहन पैदा कर देती है। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ आपसे, क्योंकि 38 साल के बाद पुराने बंकर में से सियाचिन के एक नायक का शव मिला है। बड़ी दर्द भरी कहानी है कि 38 साल के बाद परिवार को, जिसे इंतजार था उसका, उसे उसका पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। लेकिन समझिए कि उसके परिवार को इस खबर से क्या फील हो रहा होगा। वो इसका गम मनाए या इसकी खुशी मनाए, कोई भी समझ नहीं पा रहा है। देखिए, अमूमन क्या होता है, खोया हुआ मिल जाए तो एक पल के लिए यहाँ सुकून मिलता है, एक सुखद अनुभूति होती है। लेकिन वो खोया हुआ जो 38 साल के बाद बनकर में से मिला है, जो लगातार 38 साल से सोया हुआ था कभी ना जागने के लिए, वो जब मिलेगा तो पहाड़ टूट पड़ेगा परिवार पर। और फिर कहीं ना कहीं दिल में ये भी आएगा कि हमारे परिजन की, जो सीमा पर रक्षा कर रहा था देश की, उसका पार्थिव शरीर हमारे पास आ रहा है, यानी कि उसकी पत्नी जिसने 38 साल इंतज़ार करा, उसकी दो बेटियां जो उस समय बहुत ही छोटी थी और पत्नी भी मात्र 22 साल की थी, उसका इंतज़ार देखिए, वो खुद उस समय 27 साल के थे। उसका आप इमेजिन करके देखिए कि उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। और फिर आज 15 अगस्त है, देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और स्वतंत्रता संग्राम में उन लोगों के बलिदान को याद कर रहा है जो इसका हिस्सा बने थे। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अमृत महोत्सव की धूम मची हुई है। वहीं आज़ादी कि इस जश्न से ठीक एक दिन पहले ये खबर सामने आई है, 38 साल पहले ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का शरीर एक बंकर में 13 अगस्त को मिलता है। बीते 38 सालों से उनकी पत्नी और उनकी बेटियों को इंतज़ार था अपने पापा का। शायद उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस दौरान उनके साथ काफ़ी और सारे लोग भी एक ग्लेशियर के नीचे दब गए थे और उन सब के शव मिले थे। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे शव हैं जो मिलना बाकी हैं, लेकिन 13 तारीख को इस जवान का शव मिलता है, जिसे अब 38 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। अब न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि उसकी पूरी यूनिट को, यानी कि उसके जो रिश्तेदार हैं, केवल उन्हीं को नहीं, उसकी पूरी यूनिट को बहादुर जवान के लिए बेहद खुशी है। वो उसको अंतिम विदाई देने के लिए तैयार हैं। उनकी श्रद्धांजलि को लेकर के हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को पहले वहां लाया जाएगा। उनकी बेटियां जो उस हादसे के वक्त बहुत ही छोटी थी, शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि उस समय क्या हुआ था, उनकी माँ पे क्या गुजरी, उनके पिता पे क्या गुजरा। और जब चंद्रशेखर के साथ ये हादसा हुआ था तो उनकी जो बड़ी बेटी थी वो मात्र 8 साल की थी और छोटी बेटी 4 साल की। इतनी कम उम्र में बच्चों को बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। दरअसल लांस नायक चंद्रशेखर
भारतीय फौज की उस टीम के हिस्सा थे जिसे 0.5965 पे कब्जा करने का एक असाइनमेंट सौंपा गया था। ये इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस पर पाकिस्तानी फौज की नज़र टिकी हुई थी। भारतीय सेना ने इससे पहले इस क्षेत्र को खाली किया था। इस पर कब्जा करने के लिए लांस नायक चंद्रशेखर को 19 कमायूं रेजिमेंट की टीम के साथ तत्काल प्रभाव से भेजा गया था। ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए पहली कार्रवाई थी जो 29 मई 1984 को हुई थी। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना का ये दल एक बर्फीले तूफान में फंस गया था। बहुत ठंड थी उस दिन और इस हादसे में 19 जवान दब गए थे जिनमें से 14 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे लेकिन 5 जवान लापता हो गए थे। और 13 अगस्त को सियाचिन में करीब 16,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर एक सैनिक का कंकाल मिला। जब यहाँ आसपास नजरें दौड़ाई तो उसके साथ कुछ अवशेष भी मिलते हैं। और सेना में एक नियम होता है, उनका एक नंबर होता है, वही उनकी पहचान होती है, वही उनकी यूनिट को पहचान करवाती है। और एक डिस्क मिली जिसमें लांस नायक चंद्रशेखर की पहचान करने में काफ़ी मदद मिली। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसकी पत्नी का इस समय क्या हाल है। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी ने अपने पति के पार्थिव शरीर का करीब 38 साल, दोस्तों 38 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, 38 साल एक पूरी जिंदगी होती है। इतने सालों तक उन्होंने एक विश्वास के सारे इंतजार किया कि एक दिन वो अपने पति के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन जरूर कर सकेंगी। मैंने शुरू में कहा था कि वो इस खबर पे गम मनाए या क्या करें, तो एक उनके मन में ये तसल्ली रहेगी, ताउम्र उन्होंने उनका इंतज़ार किया, लेकिन आगे की ज़िंदगी में उनको ये ज़रूर रहेगा कि उन्होंने अपने पति के अंतिम दर्शन किए। और जिस समय शांति देवी के पति शहीद हुए थे उस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी बहुत कम उम्र थी और बहुत ही कम उम्र में शांति देवी ने अपने पति को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही माँ और पिता की भूमिका को निभाया और बेटियों का लालन पालन किया। सियाचिन दुनिया के आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सियाचिन दुनिया के दुर्गम सैन्य स्थलों में से एक है और ये बहुत बहुत हाइट पर है जहाँ जीवित रहना एक सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं होती। भारत के सैनिक आज भी वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 1984 में देश के सैनिकों ने इस जगह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था। इस अभियान में सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी और सेना की नौकरी करने वाले लोगों के लिए सियाचिन का किस्सा जीवन भर सुनाने वाला अनुभव होता है। बावजूद इसके हमारे जवान वहाँ ड्यूटी देते हैं और ऐसे जवानों को मैं सच में अपने दिल से नमन करती हूँ। एक और बात, सियाचिन पे अपने जान गंवाने वाले शहीद सिपाही का जो पार्थिव शरीर है वो 38 साल के बाद तो आ ही रहा है उनके होम स्टेट उत्तराखंड के हल्द्वानी में, उनके घर आ रहा है। और 29 मई 1984 में 19 कमायों रेजिमेंट के जवान चंद्रशेखर हरबोला की सियाचिन में के ऑपरेशन के दौरान ये घटना हुई थी जब वो बर्फ के बीच में दब गए थे। बर्फीले तूफान में उनके साथी और भी थे लेकिन इनका जो है वहाँ से लौटना 38 साल के बाद हो रहा है। हरबोला का अंतिम क्रियाक्रम पहाड़ी रीति रिवाज के साथ, जब उन्हें शव नहीं मिला था तो उसके परिवार वालों ने सिंबॉलिक तौर पे उनका अंतिम क्रियाक्रम पहाड़ी रीति रिवाज के साथ कर दिया था। और जब फिर ये खबर आई है
तो उनके घर का माहौल काफी बदला हुआ है। उन्हें इंतजार है, उनकी बेटियों को इंतजार है कि उनका पार्थिव शरीर आएगा और वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की है, इसको आपके साथ शेयर करते हुए मेरे दिल पे भी बहुत जोर पड़ रहा है। ये शूरवीर ना हो तो शायद हम आप इस तरीके से बात ना कर रहे हो। हम लोग अपने घरों में आराम से ना सो रहे हो, हम आराम से होली दिवाली ना सेलिब्रेट कर रहे हो। आज 15 अगस्त है और मैं इस शूरवीर को नमन करती हूँ।